और दोस्तों आप सोच रहे होंगे मैं वंदे भारत दिखाने वाला था आपको और मैं कहाँ यहाँ मार्केट में खड़ा। और ये हमारे साथ बहुत बड़ा पोपट हो गया है। हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका फ्रेंड वरुण और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल वरुण द वंडर। तो फ्रेंड्स, आज हम आपको लेके जाने वाले हैं, मैं दिल्ली आया हुआ था जैसे कि पिछले व्लॉग में मैंने आपको बताया था, तो आज मैं जम्मू निकल रहा हूँ। बट मैंने आपको काफ़ी सारी ट्रेन्स तो दिखाई है पहले भी, तो आज मैं आपको इंडिया की फास्टेस्ट ट्रेन दिखाने वाला हूँ जो कि है वंदे भारत एक्सप्रेस, जो न्यू दिल्ली से सुबह 6 बजे चलती है और जम्मू पहुँचती है कोई 12:30 बजे के आसपास और कटरा पहुंचती है। ये कटरा तक ट्रेन जाती है और ये कटरा पहुंचती है करीब 2 बजे। तो इसका स्टॉपेज जो होने वाला है वो यहाँ से वो सीधा अम्बाला होने वाला है, अम्बाला के बाद लुधियाना, जम्मू देन कटरा, बस इतने ही स्टॉपेज हैं। और ये फास्टेस्ट ट्रेन है कटरा जाने के लिए, 6.5 घंटे खाली, मतलब 6.5 घंटे जम्मू लगते हैं पहुँचने में और 8 घंटे लगते हैं करीब करीब कटरा पहुँचने में। तो जैसे ही मेरी ट्रेन प्लेटफॉर्म पर लगती है तो मैं आपको दिखाता हूँ। और इस समय अभी बजा हुआ है सुबह का 5:30। तो फ्रेंड्स ठीक है, अपनी ट्रेन का वेट करते हैं, जैसे ही हम बोर्ड करते हैं तो आपको मैं दिखाता हूँ। और दोस्तों आप सोच रहे होंगे मैं वंदे भारत दिखाने वाला था आपको और मैं कहाँ यहाँ मार्केट में खड़ा हूँ। तो फ्रेंड्स, इस सुबह जो 6 बजे वंदे भारत आने वाली थी वो रीशेड्यूल हुई 9:45 बजे के लिए, और 9:45 बजे मेरे मोबाइल पर मैसेज आया कि अब ये रीशेड्यूल हो गई है 1:30 बजे के लिए। तो यार मैं क्या करता है वहाँ पर, तो मैंने सोचा क्यों ना दिल्ली की मार्केट को थोड़ा सा एक्सप्लोर किया जाए। और इस समय मैं हूँ पहाड़गंज वाली मार्केट में, और दिल्ली आप एक नंबर प्लेटफॉर्म से जैसे ही बाहर निकलेंगे तो रोड क्रॉस करके आपको पहाड़गंज की मार्केट आ जाएगी। तो मैं ऐसे ही एक्सप्लोर कर रहा हूँ और मार्केट अभी घूम रहा हूँ पैदल पैदल, तो मैंने कहा चलो आपको भी दिखाई जाए मार्केट कैसी है, किस तरह की मार्केट है, अगर आप लोग भी आते हैं तो एक्सप्लोर कर सकते हैं, पैदल घूमने के लिए काफ़ी अच्छी मार्केट है। तो फ्रेंड्स, कुछ इस तरह की है पहाड़गंज मार्केट। अभी सुबह के 10 ही बजाए तो काफ़ी शॉप्स बंद भी हैं इस समय, तो मैंने सोचा क्यों ना यार मार्केट घूम ली जाए। और ये देखिए इस तरह की कुछ मार्केट हैं, हैट्स वगैरह मिल जाएंगी यहाँ पर, शॉर्ट्स वगैरह आपको मिल जाएंगे, टी शर्ट्स वगैरह इकोनॉमिकल मिल जाएंगे क्योंकि ये बिल्कुल स्टेशन के अपोजिट मार्केट है, तो टूरिस्ट लोग काफ़ी आते हैं इस जगह। तो छोटा मोटा सामान आप यहाँ से ले सकते हैं अपनी ज़रूरत का, और कपड़े वगैरह भी मिल जाएंगे आपको, फुटवेयर्स वगैरह भी अच्छे मिल जाएंगे आपको यहाँ पर, और लेडीज़ आइटम ज़्यादा दिख रहे हैं मुझे। तो यहाँ पर एक फेमस जलेबी की दुकान थी, मैं एक्चुअली कैमरा ऑन नहीं हो रहा था वहाँ पर, मैं वहाँ पर गया था, वो काफ़ी अच्छी थी जैसा सुना था, वैसी बहुत अच्छी जलेबी की दुकान थी, तो वो हमने चखी जलेबी, बड़ी अच्छी थी। और राधे श्याम जी के छोले भटूरे तो ऑलरेडी मैंने आपको एक बार दिखाए हुए हैं मेरे पुराने ब्लॉग्स में, और नाश्ता भी फिर मैंने वहीं किया, मैंने सोचा यार स्टेशन पर नाश्ता क्यों किया जाए, तो बाहर निकलते हैं। क्लॉक रूम में अपना सामान रख दिया है, अभी रीशेड्यूल की हुई है 1:30 बजे की, तो अभी मेरे पास कोई 3-4 घंटे अभी भी हैं, तो एक जगह बैठने से अच्छा मैंने सोचा यार कि बाहर ही घूमा जाए। जैसे ही आप इन गलियों से बाहर निकलेंगे आपको न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन का एंट्री गेट दिख जाएगा, ये देखिए दिखाता हूँ मैं आपको। ये एंट्री गेट है, बस एंट्री गेट क्रॉस करिए, सामने पहाड़गंज की पूरी मार्केट है आपके सामने, आप एक्सप्लोर कर सकते हैं अगर 1-2 घंटा मेरी तरह अगर ट्रेन लेट है आपकी, इस मार्केट को एक्सप्लोर कर सकते हैं। इंडियन फ्लैग, अब मैं दोबारा स्टेशन के अंदर आ गया हूँ, क्या करूँ टाइम पास ही नहीं हो रहा यार, अकेला हूँ बोर हो रहा हूँ।
और देखिए कि वंदे भारत एक्सप्रेस चलती है यहाँ से ही है, दिल्ली से, कभी लेट नहीं होती है और फास्टेस्ट ट्रेन है इंडिया की। और आज मेरे चक्कर में मैं जा रहा हूँ इसलिए 7.5 घंटे लेट है। The borderline into our dream. Nothing will. हमारी ट्रेन तो सामने खड़ी है, मेरे ख्याल से अभी ये वॉश होगी, वॉश नहीं हुई है इसलिए सामने तो खड़ी है ट्रेन। अब देखो जाती कितने बजे ये नहीं पता, ये देखिए दिखाता हूँ मैं आपको वंदे भारत एक्सप्रेस। हमारे साथ बहुत बड़ा पोपट हो गया है वंदे भारत का, वेट करते करते आज इन्होंने तेजस के कोचेस लगा दिए हैं, तो इस समय जो आप देख रहे हैं वो तेजस देख रहे हैं और इसी में हमें आज ट्रेवल करना है एज अ वंदे भारत, इसको अज्यूम करके। और आपको आज वंदे भारत दिखानी थी मगर आज मुझे लगता है आपकी और हमारी किस्मत में था ही नहीं वंदे भारत दिखाना, और ये तेजस आ रही है, आज हमें तेजस में ही ट्रेवल करना है। तो चलिए कोई बात नहीं, आज तेजस दिखा देते हैं आपको, मगर बहुत बुरा लग रहा है मुझे क्योंकि मैं स्पेशली ब्रेक जर्नी करके वंदे भारत के लिए आया हुआ था कि वंदे भारत कवर करूँगा, वंदे भारत दिखाऊँगा आपको, बट आज सारे तेजस के कोचेस लगे हुए हैं। बैठ गए हैं तेजस में, अब वंदे भारत आपको आज नहीं दिखाने वाले हैं, आज हम आपको तेजस दिखाने वाले हैं। तो इस समय बजा है कोई एक और डिपार्चर टाइम एक्सपेक्टेड है अब इसका कि 1:30 बजे जाएगी और अब जम्मू हम पहुँचेंगे करीब करीब 8-8:30 बजे तक। तो ठीक है फ्रेंड्स, कोई बात नहीं, वंदे भारत नेक्स्ट आपको विजिट पर दिखाएंगे। देखिए मैं कर्टेन से कहता हूँ, कर्टेन कैसे नीचे होते हैं। And cigarettes laying round the room. I don't mind a little mess, just wanna stay with you. And we'll do anything that we want today. Won't be scared of falling down no more. So take me away. We learn the truth and we'll be anything that we wanna be. Gonna get what's coming anyway. So take me away some other place. And friends, finally got our lunch. हमें लंच में मिला है पनीर, दाल, मिक्स वेज, पराठे, अचार और चावल, तो काफ़ी अच्छा लंच है। ये दरवाज़ा बंद है क्या, सुलता नहीं है? अड़ रहे हैं दरवाजे वो भी नहीं खुला है, ये बोल रहे हैं अड़ जाता है।
जी चाय वगैरह शाम को चाय मिल जाएगा। हाँ मिल जाएगी जी जी, चाय मिलेगा। ग्लास है और उस पर फिंगर लगाऊंगा तो लाइट चल जाएगी और देखिए फिंगर दोबारा लगाऊंगा तो लाइट चली जाएगी, तो काफ़ी अच्छी चीज़ लगी मुझे ये। देखिए दोबारा देखाता हूँ आपको, ये देखिए अब ये फिंगर दोबारा लगाऊंगा तो लाइट बंद हो जाएगी। गुड, अच्छा है, नई नई इम्प्रूवमेंट हो रही है इंडियन रेलवे में। And cigarettes laying round the room. I don't mind a little mess, just wanna stay with you. And we'll do anything that we want today. Won't be scared of falling down no more. So take me away to some other place. Don't wanna wait. Oh, my Indian summer. Take me away. So, friends. अब हम पहुंच गए हैं अपने घर और ट्रेन लेट होते होते आपको दिखाया मैंने 7.5 घंटे ट्रेन लेट हो गई और कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी। पहले जब मैं प्लेटफॉर्म पहुंचा सुबह 5 बजे तब भी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी। 5:30 बजे मुझे मैसेज आया कि ट्रेन रीशेड्यूल हो गई है, वो हो गई है 8:45 AM के लिए। तो भी चलो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, बट 8:45 से पहले ही मुझे एक और मैसेज आता है कि मेरी ट्रेन जो है वो 7.5 घंटे लेट हो चुकी है और वो 1:30 बजे जाएगी करीब न्यू दिल्ली स्टेशन से। तो फ्रेंड्स इतना टायरिंग रहा ये सफ़र, बट हाँ रात को मैंने जैसे कि आपको पिछले व्लॉग में IRCTC के एग्जीक्यूटिव लॉन्च दिखाए थे वो काफ़ी कंफर्टेबल रहा। अगर उससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो वरुण द वंडरर पे, आप उधर मेरे को DM करके कोई भी सवाल जो आपके हैं वो आप पूछ सकते हो। तो ओवरऑल यार मेरा मन ये था कि मैं आपको वंदे भारत एक्सप्रेस दिखाऊँगा, बट शायद इंडियन रेलवेज़ नहीं चाहती थी कि मैं वंदे भारत कवर कर पाऊँ इस बार। तो फ्रेंड्स वंदे भारत की जगह जैसी तेजस आई तो मुझे तो शौक लग गया कि भाई प्लेटफॉर्म पे तेजस क्यों लग रही है और उस पर लिखा हुआ था वंदे भारत एक्सप्रेस। तो कोई बात नहीं फ्रेंड्स, डेफिनेटली मैं आपको वंदे भारत कवर करूँगा, देखता हूँ कब प्लान करते हैं दोबारा दिल्ली तक के लिए। फ्रेंड्स आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, इसके पीछे काफ़ी मेहनत लगी है यार ये ट्रेन्स का 7.5 घंटे का, जो कि इंडिया की सबसे फास्टेस्ट और प्रीमियम ट्रेन्स में आती है, वो 7.5 घंटे लेट थी। आई होप मैं आगे कवर कर पाऊँ उसको दोबारा। तो फ्रेंड्स ये वीडियो यहीं तक एंड करता हूँ, आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी। ठीक है, जल्दी मिलता हूँ आपको नेक्स्ट व्लॉग पे यार। और एक और चीज़ है फ्रेंड्स कि मैं रेगुलर व्लॉग नहीं बना पा रहा हूँ, उसका कारण केवल ये है कि यार मैं बिजनेस भी करता हूँ तो मेरे को थोड़ा सा बिजनेस की तरफ भी कंसंट्रेट करना पड़ रहा है। कोई बात नहीं, जल्दी से कोई और ट्रिप का प्लान करते हैं और आपसे मिलते हैं। थैंक यू फॉर मेकिंग मी अ पार्ट ऑफ योर डे, स्टे ट्यून्ड फॉर माई नेक्स्ट व्लॉग्स, और इसी तरह से अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखें। और जो नए सब्सक्राइबर मेरे चैनल पर जुड़े हैं जिन्होंने सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर दबा लीजिए ताकि आने वाले व्लॉग्स की नोटिफिकेशन आपको आ सके। तो फ्रेंड्स यहाँ तक के लिए बस इतना ही, मिलता हूँ आपसे किसी नेक्स्ट व्लॉग पर।